शंकराचार्य वही हैं, श्रेष्ठ वही हैं, जगत गुरु वही हैं, जो जोड़ना सीखें। ऐसा ऐसा हीन भावना क्या रखते हो, मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बिना पत्नी का पूजा नहीं, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे भारत के गौरव को लौटा रहे हैं, पत्नी होते हुए भी वो जोगी बने टहल रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। चार शंकराचार्य बने हो तो तब एक भारत बना है, और पूरे भारत का चार शंकराचार्य का जो है प्रधानमंत्री मोदी है, वो क्या कम है क्या, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन से उनका रजिस्ट्रेशन कम है क्या? जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और इसके उद्घाटनकर्ता जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बहुत सारे शंकराचार्य महाशंकराचार्यों का और बहुत सारे संत समाजों का यही कहना है कि मोदी जी इस लायक नहीं है क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है, और भगवान राम भी बिना सीता के राजसूय यज्ञ नहीं किए थे, यानी कि सीता की मूर्ति बनवा करके ही तब किए थे, तो मोदी जी इस लायक नहीं है कि वो राम मंदिर का उद्घाटन कर सकें। फिलहाल इसलिए भी कि राम मंदिर का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था, तो राम मंदिर अधूरा है और इसलिए भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में बहुत सारे लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, हमारे पूज्य पिताजी बहुत ज़्यादा दार्शनिक हैं और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक विचार के हैं, उनकी भी विचारधारा क्या है, चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं, वहाँ पे हैं वो और हम चलते हैं उनके पास में। पिताजी, इस समय एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहा है मोदी जी को लेकर के, कि इस समय राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, और उस बात को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी बन रही है, काफ़ी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, और कुछ हमारे सनातनी धर्म के लोग भी हैं शंकराचार्य समुदाय के, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, चार जगत गुरु नहीं जा रहे हैं। तो राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, या इसका विरोध इसलिए हो रहा है, कुछ लोग तो यह मान रहे हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है, और कुछ लोग यह तर्क कर रहे हैं कि उन्हें उद्घाटन इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी राम मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या उनको उद्घाटन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो, यह जो हलचल है उसके बारे में हमें भी पता है, हम भी उसे पढ़े सुने देखे जाने और समझे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य हमारे भारत का है कि जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं, जो शंकराचार्य जैसे पदासीन हैं, पीठाधीश्वर हैं, वे लोग ऐसे तर्क रख रहे हैं। देखो, बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गहन विषय की बात है। रामायण में एक से उपाय तुलसीदास जी लिखे हैं, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम वादी बाल कभी कर ही। जिस प्रबंधन को, जिस आयोजन को बड़े लोग बुध श्रेष्ठ समझदार व्यक्ति जिस प्रबंधन को प्रशंसा नहीं करेंगे, वह प्रबंध बेकार। तो आप अगर बुध हैं, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ का प्रमाण यह है वह तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। जोड़ने वाला ही महान है, तोड़ने वाला महान नहीं है। ऐसा प्रबंधन, श्री राम का नाम जो हो रहा है, राम कीर्तन हो रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ऐसे विषय को अगर कोई बुध बोल दे कि खराब है, अच्छा नहीं है, तिरस्कार करता हूं, तो उसे बुध कैसे कहा जाएगा? जब पाल घर में साधुओं का हत्या हुआ था तो भी शंकराचार्य थे, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हनन हत्या हो रहा था तब भी शंकराचार्य थे, जब बाबरी मस्जिद बना था तब भी शंकराचार्य थे, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा इधर उधर हुआ कोर्ट के द्वारा तो भी शंकराचार्य थे। तो शंकराचार्य लोग क्या रोक सकते हैं? क्या रोकेगा? तो सरकार रोकता है ना, पुरुषार्थ होना चाहिए। आज पुरुषार्थ के स्वरूप आरएसएस के और कार सेवक में से ही सनातन धर्मी ही जब प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए सारे कार्यभार को संभाल रहा है, तो हमारा सौभाग्य है। ये शंकराचार्य लोग हैं, ये शंकराचार्य लोगों की बस की बात नहीं थी। और रही बात यह कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, पत्नी नहीं है, अरे तुम्हारे भाग भारत का सौभाग्य है, वह समय नहीं था जब पहाड़ उड़ते थे, ये मैनांचल पर्वत तो उड़ता था, जब भगवान राम भी सीता का सोने का मूर्ति बने बनवाए राष्ट्रीय। बता तो रहा हूँ कि राम का नाम जो है, राम नाम सुमिरत एक बारा उतरे नवभव सिंधु अपारा, राम नाम बहुत बड़ी बात है। राम भाल कब कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा, और नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेने से भव सिंधु सुख गया, अगस्त ऋषि एक गंडक में पूरे समुद्र को सोख लिए थे, लेकिन रामचंद्र जी आकर कितना परिश्रम उनको करना पड़ा है। तो सब समय समय की बात है, आज वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आज हमारे भारत का स्वाभिमान गौरव वापस कर रहे हैं, जो गिरवी रखा था, जो प्रयागराज को जो अल्लाहाबाद कर दिया था, यह जो टीका मार के गया था, जो 1872 का 54 का जो 1854 का कानून आज तक भुगता था, यह क्या शंकराचार्य समाप्त कर सकते थे? ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को अगर राम नाम का प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो हमारे सौभाग्य की बात है। और शंकराचार्य अगर कोई मुकर जाता है, कोई सनातनी मुकर जाता है, तो उसे मैं क्या कहूँ? सही बात। उसे मैं कांग्रेस बोलूं, विपक्ष बोलूं, क्या बोलूं? घर 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 का रोग इतना बड़ा होता है। इसलिए हमारा यह संदेश है और हमारा यह निवेदन है शंकराचार्यों के सामने, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों ऐसा जो है वैमनस्य, ऐसा विचारधारा छोड़ दीजिए, यह हमारे सनातन धर्म को खंडन करता है। यज्ञ के समय आप ऐसा
प्रचार प्रसार कर रहे हो, ऐसा जो है विरोध पैदा कर रहे हो, तो यह जो है संदेह हो रहा है कि यह तो विपक्ष में ही होना चाहिए ना। तो आप पक्ष कैसे बन गए? अब सनातनियों का कितना हत्या हो रहा है, अभी कलकत्ता में बंगाल में हुआ, तो यह सब क्यों हो रहा है? वहां सरकार ही संभालेगा ना, वहां शंकराचार्य नहीं संभालेंगे। तो सरकार से उपेक्षा जो करता है भारत, जो सनातन धर्मी कर रहा है, जो हिंदू कर रहा है, उस पे पानी क्यों फेर रहे हो? इसलिए इस विचार का मैं, इसके मत का मैं खंडन करता हूँ। शंकराचार्य वही हैं, श्रेष्ठ वही हैं, जगत गुरु वही हैं जो जोड़ना सीखे। ऐसा हीन भावना क्या रखते हो, मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बिना पत्नी का पूजा नहीं, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे भारत के गौरव को लौटा रहे हैं। पत्नी होते हुए भी वो जोगी बने टहल रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। चार शंकराचार्य बने हो तो तब एक भारत बना है, और पूरे भारत का चारों शंकराचार्य का जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो क्या कम है क्या? तुम्हारे रजिस्ट्रेशन से उनका रजिस्ट्रेशन कम है क्या? तुम्हें हिंदू चुना है, तुम्हें महात्मा चुने हैं, और उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातियां पूरे भारतवर्ष ने चुना है, तो तुमसे कम चुना है क्या उनको? कोई महात्मा नहीं है क्या, राम राम बोलते हैं तो? इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए। जय रामचंद्र की जय।